जिन लोगों के पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं है, उनके पीछे न जाओ। उनका वक्त पाने के लिए और उनका ध्यान अपनी ओर करने के लिए उनके पीछे पीछे बिल्कुल न जाओ। एक बात समझ लो, जिन लोगों को तुम्हारी अहमियत पता है, वो तुम्हारे लिए वक्त निकालेंगे अपने आप। तुम्हें भी एहसास होगा कि इन लोगों को चाहे कितना भी काम हो, कितने भी काम में वो मसरूफ होते हों, तो भी वो तुम्हारे लिए समय निकालते हैं। इस बात का तुम्हें भी एहसास होगा। ये तुम्हारे घर परिवार वाले भी हो सकते हैं या तुम्हारे दोस्तों में से भी हो सकते हैं। ये लोग तुम्हारे जीवन में सच्चे साथी होंगे। हर सुख दुख में तुम्हारा साथ देंगे ये लोग। जब तुम मेरे चरणों पर अपना हर सुख दुख समर्पित कर दोगे ना, तो चाहे जितना भी बुरा हो रहा हो तुम्हारे साथ, तुम बस अपना हर पल जीते चले जाओगे और मुसीबतों से बाहर आते चले जाओगे। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कैसे इतनी बड़ी परेशानी से मैं बाहर आ गया। इतनी कृपा होगी तुम पर। इसलिए समर्पण भाव रखना सीखो। चाहे तुम सारा दिन पूजा पाठ ना करो, लेकिन कर्म अच्छे करोगे तो हमेशा मेरा आशीर्वाद पाओगे। और जो लोग पूजा पाठ करते हुए भी कर्म अच्छे नहीं करते, उन्हें मेरा साथ कभी नहीं मिलता। ये बात हमेशा समझ लेना तुम। तुम पर मेरी विशेष कृपा है, इसीलिए खुश रहो और खूब मुस्कुराओ।